तो जी दोस्तों, मैं कुछ सामान लेके आया था बाइक के लिए, तो आगे ईद आ रही है, कहीं जाना पड़ जाता है। ऑयल लेकर आया हूँ बाइक का, ये आप देख सकते हैं। तो इस पे प्राइस आ रही है जी 705 रुपये, लेकिन वो कह रहे हैं रेट बढ़ गया, तो ये मुझे मिला है 750 का, 760 रुपये रेट हो गया इसका कह रहे हैं। तो ये यामा लूप का ओरिजिनल ऑयल है 20W। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। तो अभी सुबह सुबह मैं उठाऊँ, बच्चे अभी सोए हुए हैं और बाइक निकलाऊँ। तो ये रही जी हमारी बाइक जो रात को हमने ऑयल चेंज करने के लिए खड़ी की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई बारिश हो रही है, तो सुबह तो बहुत तेज़ी, अभी थोड़ी काम हुई है, आप देख सकते हैं सामने पानी खड़ा है। तो मैंने रात को बाइक ही स्टार्ट भी की थी, बल्कि सुबह ही उठ के की थी, आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, बाइक पे कपड़ा वगैरह हमने मार लिया, अब इसके बाद हम यहाँ मिनट लूज़ करेंगे, यहाँ से आइल नहीं फिर लेता है ये राज। अब इसको भी कपड़े से हम साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद देख सकते हैं आप बिल्कुल लैंड हो चुके हैं। और ये तकरीबन जामे शरी की 1 लीटर की बोतल थी और ये फुल हो चुकी है, तो अब ऑयल डालते हैं दोस्तों इसके अंदर। ये भी आप देख सकते हैं दोबारा मैंने सिंगल स्टैंड पे खड़ा किया है, और इसके अंदर से ऑयल अभी भी कतरे कतरे के फॉर्म में निकल रहा है। तो साइड पे स्टैंड लगाने का यही फ़ायदा होता है कि आपका इंजन का एक कतरा भी बाहर आ जाता है। अभी मैं 5-10 मिनट से और मज़ीद छोड़ूंगा ताकि अच्छे तरीके से बाहर आ जाए, तब तक मैं बाइक पे कपड़ा मार लेता हूँ। आपके सामने ही है, बारिश का पानी पड़ा हुआ है, तो कपड़ा मारते हैं दोस्तों। अभी मैं अपने रूम में और बाइक पे आ गई और अंदर ले आया था क्योंकि गर्मी थी बाइक, तो मालिश वगैरह तो साफ करता हूँ। 1000 ml है ये आप देख सकते हैं, और ये ओरिजिनल की निशानी है जेन्युइन, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं 1 लीटर है, और उसके बाद मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। जी दोस्तों, तो अब ये ऑयल हम उठा लेंगे, और उठा के हम देखो ऑयल गिर रहा है, कोई कतरा वगैरह नहीं गिर रहा है जी? गिर रहे, गिर रहे ज्यादा, थोड़े गिर रहे या कतरे गिर रहे? अभी आस्ता हो गए, पहले कतरे गिर रहे थे जी, अब जमीन पे देखो गिर रहे हो, नजर आएंगे गिर रहे खत्म हो गया। देखिए दोस्तों, आखिरी 1-2 कतरे भी जो रह गए थे, मैंने बाइक को पूरा लटा के इसके अंदर से निकाले। इधर लाइट नीचे, सब सारा ऑयल निकल चुका है, अब इन्होंने पेज वापस लगा देंगे। ये दोस्तों फुल टाइट होगी, इसके बाद हम ये जो हम ऑयल लाए थे ये खोलते हैं।
इसकी सील चेक करें जब भी आए नहीं कि ये यूं करने से अगर फट जाए या कहीं से खुल जाए तो इसका मतलब है ये दो नंबर आयल है। ये बिल्कुल ठीक है, तो मैं ये वहाँ की फ्रेंचाइज से ही आयल लेते हैं। इसको आप साइड पे कर लें ताकि कचरा कोई बीच में ना जाए। जी दोस्तों, तो ये हमने साफ कर लिया, अब हम इसे यहाँ रखेंगे, इसमें बाहर स्मेल डालेंगे। इसमें दोस्तों YBRG में या मन कोई भी है, YBRG, YBR, YBRZ, YBRDX, इन सभी मॉडलों में एक लीटर ऑयल डलते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर हम यहीं आने लगे ताकि अच्छे तरीके से आए। ठीक है दोस्तों, अब ऑयल सारा इसके अंदर से निकल जाए तो यहाँ पर रख लें, सारा निकल जाए फिर बंद कर देंगे। अभी नाश्ता करते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, तो ये ऑयल गेज मैंने साफ कर दी है अच्छे तरीके से, ये देखें, और नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया, ऑयल वगैरह इसके अंदर से सारा निकल गया और इसके अंदर ही फिल हो चुका है सारा। अब इसको हम उठाते हैं, इसको उठाने के बाद हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और ऑयल देखें ऊपर तक आ चुका है। देखें कतरा कतरा निकल रहा है, तो एक लीटर ऑयल का मतलब यही होता है कि आप पूरा ऑयल रिफिल करें। जब मोटरसाइकिल वाले आपका ऑयल डालते हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक, तो वो तो बस निकालते हैं और डाल देते हैं, उससे ना पूरा ऑयल गंदा ऑयल निकल पाता है और ना पूरे तरीके से साफ ऑयल आपका रिफिल हो सकता है। तो इसलिए ऑयल आप खुद रिप्लेस करें और इसी तरीके के साथ करें, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखें अभी मैंने खाली पीक ही उठाई हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखें, तो कतरा कतरा पीक से निकल रहा है और आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये इतनी छोटी सी पीक है। ठीक है दोस्तों, फोकस कर लें, ये देखें, तो ये बोतल कितनी बड़ी होती है और इसमें कितना ऑयल रह जाता है। अक्सर आप मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकानों में जाएँ तो आप देख रहे होंगे कि उन्होंने इस तरह की बोतलें या किसी भी कंपनी का ऑयल हो, इसकी बोतलें हो, वो मोटरसाइकिल में डाल के तो नीचे उन्होंने कोई गैलन वगैरह रखा होगा उसमें ये बोतलें उल्टी करते रहते हैं। वो इसी वजह से करते हैं कि सारा ऑयल इकट्ठा कर लेते हैं वो बाद में, इसमें उनको ये नहीं होता कि किसी भी कंपनी का हो, मिक्स करके बस वो अपने बाइक में या किसी काम में ले सकते हैं। तो इसलिए आप ख़ुद भी एहतियात करें, अपना सारा ऑयल रिफिल करें ना कि ऑयल ज़ाया करें। ठीक है दोस्तों, ये अब सारा निकल चुके हैं, अब मैं इसको ढकना लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी, ये देखें ये बंद हो चुके हैं, इसको आप हल्का सा जो है ना किसी भी उजार के साथ टाइट कर सकते हैं। ये टाइट हो चुके हैं, ये बाकी का सामान उठाते हैं, पुराना ऑयल और नए ऑयल की बोतल और पेक को पकड़ें और ये इसमें रखें और इसमें ये वाला ऑयल रिफिल करें। आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपका बाइक ऑयल काम कर रहा है या नहीं, आपका इंजन परफेक्टली वर्क कर रहा है
या उसमें ऑयल का कोई मसला आ रहा है या कहीं से कोई जैन लीक है या सेम कर रहा है ऑयल आपका, तो आपको पता चल जाएगा। आप अपना ऑयल इसमें डालें। देखिए मेरे ऑयल की पोजीशन क्या हो गई थी, बहुत गंदा है। इससे दोस्तों ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका ऑयल पूरा है या नहीं। पहले हम इसी तरह देख लेते हैं दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, ये देखें वो जितना मैंने निकाला था उतना ऑयल इस बोतल के अंदर है, यानी कि मेरा ऑयल कम नहीं हो रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तरीका करने से आपको पता चल जाएगा।